पूर्व विधायक ने हरी झंडी दिखाकर सपा की साइकिल यात्रा को रवाना किया। अतिथि रहे पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने साइकिल यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा में पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले भी किए और उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है, अब जनता का भरोसा अखिलेश यादव जी है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर हमला करते हुए कहा कि क्षेत्र के विधायक सिर्फ एक विशेष समुदाय को परेशान करने में लगे हुए हैं और विकास से उनका नाता दूर दूर तक नहीं है। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि सुल्तान बेग के रहते मीरगंज विधानसभा की जनता अमन और चैन से रहेगी, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। बरेली जिले के सबसे तेज तर्रार विधायकों में शुमार किए जाने वाले सुल्तान बेग से जब यह पूछा गया क्या बीजेपी सरकार ने जिला पंचायत एवं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जबरदस्ती जीते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि किस शासक और प्रशासन ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम किया, लेकिन यह गुंडागिरी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इसका जवाब जनता 2022 के चुनाव में देगी। रैली की अध्यक्षता सुरेश गंगवार ने की। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए कुतुबुद्दीन अंसारी की खास रिपोर्ट। माननीय जनेश्वर मिश्रा जी जो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, पूरे जीवन समाजवादी पार्टी में रहे, विभिन्न पदों पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के बैनर तले लोगों की सेवा की, आज उनकी बर्थडे का कार्यक्रम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के आह्वान पर मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता आज इस बूथ रैली को साइकिल रैली के माध्यम से उनकी हम बस्ती बनाने का काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि आज इस सरकार ने जिस तरह से महंगाई को बढ़ाने का काम किया है, जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार और झूठ पे झूठ लगातार बोलते चले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ रही करें, महंगाई नहीं बढ़ रही। अभी अभी कोरोना के दौरान आपने देखा, सब दूसरी जब लहर आई, जबरदस्त तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, यहाँ पर लगभग 60-65 लाख लोग इस कोरोना में मारे गए, ऑक्सीजन मिली नहीं, बेड मिला नहीं। और बाबा जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक भी मौत यहाँ ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आदमी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान घर के अंदर बैठा है, आप किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आप देखिए बॉर्डर पर किसान बैठा हुआ है, तमाम तरह के मतलब। तो इस तरह से जो अव्यवस्था का माहौल पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, इसीलिए हम चाहते हैं, हमारी सरकार, हमारी पार्टी चाहती है और हमारे लोग चाहते हैं कि इस घूमती पहरी सरकार तक हम लोग मैसेज देने का काम करें और इसके माध्यम से ये जनता को बताने की कोशिश करें, ये सरकार की कमी है, इसलिए इसको हर हालत में बदलना है और आने वाले 2022 के चुनाव में एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक मजदूर, एक एक व्यापारी, सारे लोग, हर पर हर मतलब जितने भी लोग परेशान हैं, ये सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जनता मीरगंज की जनता से अच्छी तो जनता ही नहीं है कहीं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने 3 बार लगातार सुल्तान बेग को विधायक बनाया है, यहाँ पर प्यार दिया है, मोहब्बत दी है यहाँ पर और आने वाले समय में फिर विधायक बनाएंगे।